लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। देश की पहली मेक इन इंडिया ट्रेन 18 बनकर तैयार है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन जल्द ही बिना इंजन वाली इस ट्रेन का ट्रायल करेगा। यह काम 80 दिनों में पूरा होगा। इसके लिए दो अधिकारी चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जाएंगे। यह जानकारी आरडीएसओ के नवनियुक्त महानिदेशक वीरेंद्र कुमार ने दी। वह आरडीएसओ में स्वच्छता पखवाड़े को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। कुमार ने कहा कि 16 बोगियों वाली यह ट्रेन सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम से चलेगी। बोगियों के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगी होगी। यह ट्रेन ICF से 15 अक्टूबर तक निकलेगी। इस ट्रेन को सबसे पहले दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की जगह चलाया जाएगा। इससे पहले ट्रेन 18 का ट्रायल दो रूटों पर किया जाएगा। मुरादाबाद से सहारनपुर रूट पर इस ट्रेन का ट्रायल 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा, जबकि आगरा से बीना के बीच इस ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। ट्रेन 18 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूरी तरह से वातानुकूलित इस ट्रेन को एग्जीक्यूटिव व नॉन एग्जीक्यूटिव क्लास में बांटा गया है। एग्जीक्यूटिव क्लास की कुर्सियों को ट्रेन के चलने की दिशा में घुमाया जा सकता है, तो लोको पायलट को बैठने के लिए एरोडायनेमिक नोज बनाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रेन में वाईफाई, GPS, पैसेंजर इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर, LED लाइटें, दिव्यांगों के लिए प्लेटफॉर्म की ओर खुलने वाला रैंप, CCTV, यात्रियों के लिए इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट, यूरोपियन स्टाइल की सीटें, मॉड्यूलर टॉयलेट, पैंट्री कार आदि सुविधाएं हैं।